ऊना शहर में बने दो पार्किंग स्थलों को लेकर नगर परिषद कार्यालय में सोमवार को नीलामी आयोजित हुई। नीलामी प्रक्रिया नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार, नगर परिषद अध्यक्षा पुष्पा देवी और उपाध्यक्ष पवन कपिला की देखरेख में संपन्न हुई। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के रोटरी चौक के समीप और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास बनी दो पार्किंग की नीलामी प्रक्रिया को सोमवार को मुकम्मल किया गया है। उन्होंने बताया कि रोटरी चौक के समीप एमसी पार्क के सामने वाली पार्किंग को करीब 9.66 लाख रुपए में मंगल सिंह नाम के बोली दाता को दिया गया है, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सालय के समीप बनी पार्किंग को 7.43 लाख रुपए में किशोरीलाल शर्मा ने अपने नाम किया है। वहीं दोनों बोली दाताओं को बोली की रकम का 18% जीएसटी भी देना होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि 1 मार्च से पूर्व नीलामी प्रक्रिया की बाकी बची हुई औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पार्किंग स्थलों को उच्चतर बोली दाताओं के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज दो पार्किंग की नीलामी थी, एक नजदीक रोटरी चौक और एमसी पार्क के सामने, तो उसकी जो ओपन ऑक्शन हुई है उसमें 9,66,000 में वो पार्किंग गई है मंगल सिंह की। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास हमारी पार्किंग है, उसकी भी बोली हुई है और उसकी लगभग 7,43,000 उसका अमाउंट किया है। तो अभी इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके 1 मार्च से इसको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ऊना शहर में बने दो पार्किंग स्थलों को लेकर नगर परिषद कार्यालय में सोमवार को नीलामी आयोजित हुई। नीलामी प्रक्रिया नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार, नगर परिषद अध्यक्षा पुष्पा देवी और उपाध्यक्ष पवन कपिला की देखरेख में संपन्न हुई। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय के रोटरी चौक के समीप और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास बनी दो पार्किंग की नीलामी प्रक्रिया को सोमवार को मुकम्मल किया गया है। उन्होंने बताया कि रोटरी चौक के समीप एमसी पार्क के सामने वाली पार्किंग को करीब 9.66 लाख रुपए में मंगल सिंह नाम के बोली दाता को दिया गया है, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सालय के समीप बनी पार्किंग को 7.43 लाख रुपए में किशोरीलाल शर्मा ने अपने नाम किया है। वहीं दोनों बोली दाताओं को बोली की रकम का 18% जीएसटी भी देना होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि 1 मार्च से पूर्व नीलामी प्रक्रिया की बाकी बची हुई औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पार्किंग स्थलों को उच्चतर बोली दाताओं के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज दो पार्किंग की नीलामी थी, एक नजदीक रोटरी चौक और एमसी पार्क के सामने, तो उसकी जो ओपन ऑक्शन हुई है उसमें 9,66,000 में वो पार्किंग गई है मंगल सिंह की। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास हमारी पार्किंग है, उसकी भी बोली हुई है और उसकी लगभग 7,43,000 उसका अमाउंट किया है। तो अभी इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके 1 मार्च से इसको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया।